गेहूं के अंदर सुंडी वाली जो स्प्रे है वो किन किसानों को करनी चाहिए व कौन सी जो स्प्रे है वो करनी चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं डॉक्टर साहिल कुमार और आप देख रहे हो कृषि हेल्पर। किसान साथियों, ऐसे फार्मर जिन्होंने 25 नवंबर से पहले पहले अपनी गेहूं की जो बिजाई है वो कंप्लीट कर ली थी, उन किसानों को जो सुंडी वाली स्प्रे है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे फार्मर जिन्होंने 25 नवंबर के बाद में गेहूं की बिजाई की है, उन्हें अपनी जो सुंडी वाली स्प्रे है वो एक जो स्प्रे है वो कंप्लीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपने जो 75 गेहूं की किस्में हैं वो लगा रखी है और 75 गेहूं के अंदर आगे जाकर के जो सुंडी का अटैक है वो होने का जो खतरा है वो बना रहता है। आप अपने फील्ड को अच्छे तरह से चेक भी कर सकते हो। जिन्होंने 25 या 20 नवंबर से पहले बिजाई की है उन्हें सुंडी वाली जो स्प्रे है वो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप टाइमली अपने खेत की जो जांच है वो अवश्य करें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे लिए सुंडी वाली जो स्प्रे है वो सबसे बेस्ट व सस्ती कौन सी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं कुछ एक टेक्निकल के नाम बताऊँगा, आप अपने मार्केट के अंदर जो इजीली आपको मिले वो भी आप ले सकते हो। आखिर में अगर मैं जिस भी दवाई का बात करूं तो आप वो भी ले सकते हो। सबसे पहले हमारा यहाँ पे टेक्निकल आता है नोवालुरोन 10% ईसी, जिसे आप ब्रांड नेम जानते हो इंडोफिल का आता है रिमोन नाम से। वो दवाई भी आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आती है नोवालुरोन प्लस में इमामेक्टिन का जो कम्बिनेशन आता है, उसे भी आप करीबन 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में आता है इमामेक्टिन अकेला टेक्निकल आता है, जिसे आप प्रोक्लेम वगैरह बोल देते हो, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे भी यूज़ कर सकते हो। या फिर यहाँ पर नोवालुरोन 5.25% प्लस में इंडोक्साकार्ब 4.5% में ऐसी फॉर्मुलेशन के अंदर आता है, जिसे आप रिमोन प्लस में अवांट का कम्बिनेशन बोल देते हो, इसे भी आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। या फिर अवांट इंडोक्साकार्ब को अकेला आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हमारा लास्ट ऑप्शन आता है, जिसे आप काफ़ी सारे जो फार्मर वो यूज़ करते हैं, जिसे आप बोलते हो कि डुप्लीकेट कोराजन आती है। डुप्लीकेट कोराजन के अंदर भी हैरानी वाली बात है ना, नाम से पता लगता है डुप्लीकेट, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी जो क्वालिटी है वो दी होती है। तो आपको अच्छी क्वालिटी की जो डुप्लीकेट कोराजन मिले आप वो भी 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा नाम लेने में यहाँ पर दिक्कत आती है कि डुप्लीकेट कोराजन और ऊपर से ओरिजिनल क्वालिटी, तो कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप भली भांति जानते हो कि काफ़ी सारे जो फार्मर वो यूज़ भी करते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिले तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी आपको रहेगी नोवालुरोन जो 10% ईसी फॉर्मुलेशन के अंदर है, जिसे आप रिमोन बोलते हो, वो जो दवाई है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये जो दवाई है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। धन्यवाद।